कोई ये कैसा सा सेंटा है, लुक एट दिस सेंटा। एक मिनट में एक और कीमा शीमा नहीं आया तो कुत्ते में तो खून की जमी। दे क्लेम कि उनका दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांच है। पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, 360 डिग्री की एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप वीडियो जब देख रहे हो तो अपने फ़ोन को अगर आप एंगल इधर ऊपर नीचे आगे पीछे करोगे तो पूरा आपको 360 डिग्री का व्यू मिलेगा। वो मैंने इस कैमरा पे वीडियो बनाई थी, दिस इज़ एन इंस्टा 360 1R। इस कैमरा में दो लेंस होते हैं, एक इधर एक इधर। ये वीडियो मैं आपको ऑलरेडी 360 डिग्री से शूट की हुई वीडियो दिखा चुका हूँ, जब हम लोग आइसलैंड गए थे जो ब्लू लगून की वीडियो थी। वो पूरी इससे ली हुई थी पर वो बहुत हाई क्वालिटी थी। कल वाली वीडियो बहुत हाई क्वालिटी नहीं थी, उसका रीज़न क्या है, लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस एक तो बहुत बेकार हो जाती है, प्लस वो जो आइसलैंड वाली वीडियो थी उसमें पूरे 360 में से मैंने एक एंगल को कट करके सिर्फ आपको दिखाया था, वहाँ पे इसकी क्वालिटी मच बेटर होती है, बट जो 360 पूरा दिखा देते हो उसकी क्वालिटी बेकार हो जाती है। एनीवेज गाइस, दिस वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले, कुछ लोगों ने बोला बहुत अच्छा लगा, नया तरीका था, चारों तरफ देख सकते हैं, और कुछ लोगों ने जेन्युइनली बोला कि यार बिल्कुल बकवास वीडियो थी, रियली में थी, इसीलिए मुझे पहले पता था। बट यू नो एज अ क्रिएटर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स, कुछ नई चीज़ ट्राई करते रहना चाहिए, अपने जो क्रिएटिव जूसेज हैं वो फ्लो करते रहते हैं। अब ये देख के समझ में आ गया इसका यूज़ तो हो सकता है बट किसी और चीज़ में करेंगे, और ख़ासकर तब जबकि फुल लाइट हो, जहाँ पे जहाँ भी थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा इसकी वीडियो अच्छी नहीं आएगी। मोटी मोटी जैकेट्स निकल गई हैं, विंटर वाली जैकेट्स, ठंड होने वाली है काफ़ी ज़्यादा। वी आर गोइंग टू नायग्रा फॉल्स। नायग्रा फॉल्स में विंटर फेस्टिवल लगता है, एक्चुअली एक नहीं अलग अलग लगते हैं, क्रिसमस मार्केट लगती है, एक विंटर फेस्टिवल लगता है। टाइम इज 5:30 इन द इवनिंग, बाहर ऐसा लग रहा है कि रात के 2 बज चुके हैं, जल्दी से निकलते हैं हम। इसको पता चल गया 5:30 नहीं बोलना, 5:35 बोलना है। वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है ना जहाँ हम जा रहे हैं, फेमस सा पराठे वाली गली है, पराठे वाली गली, वहाँ बहुत सही सही पराठे मिलते हैं। सो वहाँ भी मोस्ट लाइकली चलेंगे अगर वो खुली हुई तो, क्रिसमस मार्केट देखने के बाद जाएंगे वहाँ पे। ओके, और इसलिए भी जैकेट पहन रहे हैं क्योंकि रात भी है और रात में ठंड होता है, ठंड ज्यादा होता है। वेरी नाइस, गुड जॉब। रेडी 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 ऑलरेडी। राइट, बफलो यूएसए, ये नायग्रा फॉल्स यूएसए चलेंगे। ऑलरेडी फाइनली पहुंच गए हैं, गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है हम लोगों ने, थोड़ी सी गोची हो गई, वो गोची ये हो गई। हमने पहले सोचा था कि जाएंगे जो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे सजाए होते हैं वहाँ पे उन्होंने, वो पहले देखेंगे, उसके बाद आएंगे क्रिसमस मार्केट में। बट वहाँ तो क्या लंबी लाइन थी यार, कई किलोमीटर लंबी। ओ कितनी लंबी लाइन है यार, लुक एट द लाइन। सैटरडे प्रोबेबली अ बैड टाइम टू, तो वो तो घंटों वहाँ पे खड़े रहते। चेंज ऑफ प्लान्स, पहले देखेंगे क्रिसमस मार्केट, उसके बाद वापस वहाँ देखेंगे क्या ट्रैफिक है, अगर लगा तो जाएंगे, ये तो फिर कभी घूमेंगे। वह एटलीस्ट चलो क्रिसमस मार्केट तो है, क्रिसमस मार्केट में घूमते हैं। फिर यहाँ पे एक पराठे वाली गली, वो रात को 1 बजे तक खुली है, वहाँ पे कुछ खाएंगे। पार्किंग मिल गई, दैट इज़ गुड पार्ट। सेकेंड गुड पार्ट, पार्किंग इज़ फ्री। पीछे एक सेंटा का रथ बनाया हुआ है जो सेंटा की स्ले होती है, तो यहाँ पे आप खड़े होकर फोटो वोटो खिंचवा सकते हो। लगे हुए तीनों लाइन में, एक बार उनका नंबर आ जाए फिर सारे बैठ के फोटो खिंचाते हैं यहाँ पे इसके साथ।
बच्चे रेडी हो गए हैं श्रीमान और श्रीमती सेंटा क्लॉस के साथ फोटो लेने के लिए। थैंक यू। सो छोटी सी एक ये क्रिसमस मार्केट है, हम लोग हैं इस टाइम क्वीन स्ट्रीट पे, ये काइंड ऑफ डाउनटाउन नायग्रा फॉल्स है, ठंड है गजब की एकदम। Thank you very much. He's watched a lot of your movies. तो ये जो रेस्टोरेंट है इसने पूरा मोटरसाइकिल थीम पे बनाया हुआ है, यहाँ पे हार्ले डेविडसन, इंडियन बाइक्स, पूरी कलेक्शन जो इसकी जो ओनर होगा उसकी बाइक्स वाइक्स की कलेक्शन है यहाँ पे, और जगह जगह पे ये जो जैकेट्स हो गए और फोटोग्राफ्स, और मुझे लगता है या तो इसको सन्स ऑफ एनार्की एक शो था, बड़ा फेमस शो था सारा ये जो मोटरसाइकिल क्लब होते हैं इसके ऊपर था, सो उसके भी इसने काफ़ी सारे लगा रखे हैं, जैकेट्स और मेमोरेबिलिया सब है यहाँ पे। रम केक, इसके अंदर रियल में रम है। अच्छा, रम का बड़ा सटल सा हल्का सा टेस्ट है। अच्छा टेस्ट। एक मिनट में एक और कीमा शीमा नहीं आया तो कुत्ते मतलब खून की जमा। इट्स जस्ट अ जोक। चिली पनीर पराठा। चिली पनीर, दाल मखनी, दही, अचार एंड बटर। Sorry. Smells good. I was using that as a pot. Chili paneer. Paneer and soy sauce wala. Tasty, yeah. It's better than that Brampton one.
एक वर्ड में बता, इज इट बेटर देन द वन दैट मम्मा मेक्स? थ्री लेटर्स वन वर्ड यस. Well, equal. For real? Come on. पराठे से याद आया, अभी इंडिया गई थी ना, तो रोहतक में एक है तपस्या पराठा. They claim कि उनका दुनिया का सबसे बड़ा पराठा है. वेट उसका था 2 किलो. एक पराठा 2 किलो का. राउंड में 30 इंच था और इतना से बड़ा. हाथ जितना तो मक्खन है. बाप रे, दही का कटोरा देखो. यम्मी था वो भी पराठा. हम कितने लोग थे? हम 8 लोग थे शायद, और हमने मिलके 1-2 पराठे खाए. गरम मैंने मंगवाया है बिरयानी पराठा. नहीं, ये चावल भी है. हाँ, पूरा. सो मैंने मंगवाई है चिकन बिरयानी पराठा. अंदर पूरी फिलिंग है चिकन बिरयानी की, और उसका पराठा हमारे भी हम भी बनाते हैं. जब हमारा चावल और वो पुलाव वगैरह बनाते हैं बच जाता है ना, हम पराठे बनाते हैं उसके. सो दिस इज़ चिकन बिरयानी, और इसके साथ में एक ये काजू की सॉस है, काजू की चटनी. Really, it's good. Yeah. बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे आप चिकन बिरयानी भी खा रहे हो, वो पराठा भी खा रहे हो. मतलब मेरे को वैसे वैसे वर्ड्स नहीं बोलने आते. फूड ब्लॉगर स्पाइसी है, पता लग गया है. मेरे को दे दो बहुत ज्यादा. चिकू वाला ट्राई कर लो, स्पाइसी लग रहा है. चलो चिकू जी, अब आप करो. जब मैंने ट्राई करा है बर्लिंगटन में, मिल्क केक वाला क्या स्पाइसी होगा. अल्टीमेट स्पाइसी है ये कॉम्बिनेशन है, मतलब मजेदार वाला बढ़िया स्पाइसी है. और खाना खाने के बाद तब पता लगता है, जब तक नाक ना बहना शुरू हो जाए ना स्पाइसेस की वजह से, तब तक लगता नहीं है कि ढंग का खाना खाया. मज़ा आ गया सही में. सो सिर्फ मैंने ख़त्म किया अपनी प्लेट, बाकी सबका बच गया. क्वांटिटी अच्छी होती है, बट हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे. इनसे बॉक्स ले रहे हैं, लेके जाएंगे साथ में, सुबह गर्म करके फिर यही खाएंगे. सुबह भी मैं खाऊंगा इनके बचे हुए. ये अभी एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है नायग्रा फॉल्स. ये था उसका डाउनटाउन. उसके बावजूद भी शहर पूरा डेड है इस टाइम. सैटरडे यहाँ पे सब कुछ 5 बजे बंद हो जाता है. ये तो आज सिर्फ क्रिसमस मार्केट है, तो बहुत चीजें ओपन है. रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं, बट बाकी सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं. ये Now you have arrived at your destination. Santa, नीचे कर दो विंडो.
सो इस बार कुछ छोटा बनाया हुआ है इन्होंने, हर बार नॉर्मली बड़ा होता है, तो बीच में रुक के थोड़ा बहुत वॉक करते हैं और ऐसे ये अलग अलग तरह के इन्होंने बना रखे होते हैं। ऐसे ये एलिफेंट सा बना रखा है पूरा लाइट का बना के। ये पेड़ बहुत बढ़िया लग रहा है, पूरा ऐसा लग रहा है ऐसे आइसिकल्स नीचे गिर रहे हैं। वैसे हर साल आते हैं हम लोग और इससे बड़ा होता है, फॉर सम रीज़न इस बार छोटा है, बट फिर भी चलो ठीक है ना, से तो अच्छा है। मुझे लगता है शायद कोविड वगैरह की वजह से कम किया हुआ, नहीं तो वॉक भी बहुत लोग करते हैं। अभी अच्छे से मन भरा नहीं है। सो बर्लिंगटन और ओकुल में भी होता है, ऐसे होता है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। किसी दिन शाम को घूमो, तो घर से 5-10 मिनट दूरी पे ही है, शाम को घूमते घूमते चले जाएंगे, फिर वो दिखाएंगे आपको। हम लोगों ने जो क्रिसमस मार्केट थी वो भी देख ली और मस्त वाले पराठे भी खा लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना ज़रूर अगर आप चैनल पर नए हो। हम मिलेंगे आपसे, लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस, कम ऑन, करो नहीं करो, अभी करो, अभी करो, हम वेट कर रहे हैं, करो सब्सक्राइब, लाइक करोगे, शेयर विद फ्रेंड्स करो, कम ऑन, इफ आप 10 सेकंड्स में हमारा चैनल रिमूव होएगा, कितने 9 8 7 ओके सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू, बाय बाय। Ha 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 ha